यहाँ से सीरपुर 17 किलोमीटर रह जाता है और यहाँ पर जो यहाँ पे आयोजन होने वाला है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भिक्खु व उपासनिक धम्म चर्चा का तृतीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद एवं सांस्कृतिक महोत्सव 2020 का होने वाला है और यहाँ पे गेट द्वार बने हुए हैं। बीच में भी ऐसे बहुत सुंदर गेट द्वार बने हुए थे। जगह जगह भव्य स्वागत का आयोजन किया गया है और यहाँ पे कुछ आयोजकों की टीम भी है। विजय बौद्ध जी है, इस तरीके से बहुत सारे लोगों की टीम है और यहाँ पे निरंतर गाड़ियां आ और जा रही हैं। ये सीरपुर में आपका स्वागत है, काफी सारे चीजें आगे बढ़ती हैं। यहाँ पे जो भव्य द्वार है और यहाँ पे कुछ सारे साथी आए हुए हैं, यहाँ पे आयोजन के अंदर करने, और ये पूरी परिवार के साथ आए हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कहाँ से आए हैं आप? सर, मैं रायपुर से आया हूँ जी, और अभी रायपुर में पूरे विश्व स्तर के भिक्खु भिक्खुनी लोग रैली के रूप में आ रहे हैं जी, और यहाँ सीरपुर में 3 दिवसीय कार्यक्रम है 8, 9, 10 फरवरी का जी। और यहाँ सीरपुर में, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय बौद्ध है। विजय बौद्ध जी, विजय जी, क्या पूरे देश के अंदर पहला भिक्खुनी इस तरीके का कार्यक्रम आयोजन हो रहा है? जी, ये पहला अंतर्राष्ट्रीय भिक्खुनी कार्यक्रम हो रहा है सीरपुर में जी, और 3 दिन के लिए यहाँ पर रिसोर्ट में सबको रुकाया जा रहा है जी, और 3 दिन तक धम्म देशना कार्यक्रम जी होगा जी। और क्या आकर्षण है यहाँ पे कार्यक्रम के, वो भी बताएं। यहाँ आकर्षण मुख्य तौर पे यह है कि नदी के बिल्कुल किनारे में बसा हुआ है सीरपुर गांव जी, और यहाँ पर उत्खनन के द्वारा बहुत सारे बौद्ध विहार निकले हैं जी, और वो उस समय बुद्धकालीन बाजार भी है जी, और खंडित मूर्तियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां यहाँ स्थापित है जी, जो खुदाई करके निकाली गई, जो कई साल पहले उसको दबा दिया गया था जी। जब उसकी खुदाई हुई तो वहाँ पर जब मूर्तियाँ निकली तो ये इसको सीरपुर में ये बहुत ही बड़ा भव्य बौद्ध स्थल के रूप में इसको विगत 3 सालों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम कर रहे हैं जी। आप कहाँ से आए हैं? सर, मैं रायपुर से। रायपुर से आने के लिए या देश के और किसी आप जंक्शन से जानते हो तो यहाँ पर आने के लिए किस किस तरीके से आना पड़ता है वो भी बताएं। बहुत से लोग फ्लाइट से आए हैं जी, बहुत से लोग ट्रेनों से आए हैं जी, और बहुत से लोग बसों से आए हैं जी, और अभी थोड़े ही देर में यहाँ पर कम से कम 20 से 25 बसें जो रायपुर तक जो लोग आए हैं जी, उनको बस के द्वारा यहाँ तक लाया जा रहा है। धन्यवाद।